हो गए सर लाइव। हो गया, लाइव हो गया बेटा, बिल्कुल। यस सर। कल घर पे 13.1 कर लिया तुम लोगों ने पूरा? पहले ही बताओ। यस सर। सर एक आधा क्वेश्चन में सर आंसर गलत आ रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन नहीं हुए, क्वेश्चन का नंबर मैसेज में लिख के भेजना है। मैसेज में जो जो क्वेश्चन आप लोगों से 13.1 के नहीं हुए, उनके क्वेश्चन के नंबर आप लोग फटाफट से मैसेज में लिख के भेजेंगे। कौन? इंटीग्रेशन से हार्ड है ये चैप्टर? नहीं बेटा निखिल, बिल ये इंटीग्रेशन अलग ही चीज़ है और ये चैप्टर अलग ही चीज़ है बेटा। इंटीग्रेशन के सामने इस चैप्टर की कोई हैसियत नहीं मेरे दोस्त, बहुत आसान चैप्टर है। नहीं निखिल, अगर दिमाग में पहले से अगर तूने बैठा के सेट कर रखा है कि नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा, तो मेरे दोस्त नहीं समझ में आएगा, तब नहीं आएगा समझ में। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं ऐसे जो किसी चैप्टर को लेकर ना पहले से बहुत डरे सहमे से रहते हैं, और जब वो चैप्टर शुरू किया जाता है तो वो मतलब पहले से ही माइंड में बना के बैठे हुए कि हमको समझना ही नहीं, हमको समझ में आएगा ही नहीं। और जिसने दिमाग में यही बना रखा है उसको सही में समझ में नहीं आएगा। अगर हमारी निमिता को समझ में आ सकता है ना दोस्त, तो तुझे भी आ सकता है। अगर हमारे पात्रा को समझ में आ सकता है तो तुझे भी आ सकता है मेरे दोस्त, ठीक है? तो ऐसी बातें नहीं करेगा, ठीक है भाई? कल कोई मुश्किल चीज हुई नहीं थी यहाँ पे, ठीक है? आज अगर तेरे को कोई चीज मुश्किल लगेगी भाई, तो मैं तेरे से ही बात करूंगा निखिल दोस्त, ठीक है भाई? लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है मेरी, दिमाग से इस चीज को हटा दे कि मुश्किल है, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं, तेरे को अगर 11वीं क्लास की भी अगर प्रोबेबिलिटी नहीं आती होगी, तब भी बच्चे इस चैप्टर को कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो प्लीज माइंड से वो चीज हटा दे सारा। अब वो मानसिक है भैया, ये तो है ना, दिमाग जैसा सोचोगे फिर वैसा होगा, मुश्किल सोचोगे तो मुश्किल लगेगा, है ना? जो बात समझ में ना आए उस बात पर बेटा बताइए कि यहाँ पे दिक्कत हुई है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है आपके, पहले से क्वेश्चंस की बात करेंगे। 13th and 14th की आप लोग बात कर रहे हैं, 13th and 14th। 13th नहीं हुआ, 14th नहीं हुआ, और कौन सा नहीं हुआ बेटा आप लोगों से? 13th नहीं हुआ, 14th नहीं हुआ, इसके अलावा कोई है जो आपसे ना हुआ? 10 नहीं हुआ, एग्जाम्पल 7 नहीं हुआ, ओके बहुत ग्रेट, बहुत बढ़िया। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? सर सिक्स का सेकंड पार्ट, सेवेंथ का फर्स्ट पार्ट, सिक्स का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी देखो भाई, और क्या है 15 और 16। चले तुम्हें ऑलमोस्ट सारे हो गए, और क्या क्या दिक्कत है ना, बहुत सुंदर बच्चों। चले आज स्टार्ट करते हैं फिर। निखिल तेरे से बात कर सकते हैं क्लास के दौरान? ये बताया आज तो सबसे पहले तो थोड़ा जोर से बोलेगा है, बैकग्राउंड में शोर शराबा तो नहीं है ना कोई? ये देखियो अगर गड़बड़ है तो बेटा फिर मत माइक ऑन करियो। ई वाई एफ फाइंड करना है, कॉइन को 3 बार टॉस किया है, एक इवेंट है ई, एटलीस्ट 2 heads, एक इवेंट है एफ, एट मोस्ट 2 heads। हमें फाइंड करना है क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ। निखिल भाई इसका तो एक ही फॉर्मूला था, ई इंटरसेक्शन एफ के अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, क्या ठीक है मेरे दोस्त? एक ये फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग मुझे इंटरसेक्शन चाहिए और एफ के अंदर के एलिमेंट्स बेटा मेरे को चाहिए। तो दोस्त जब हम बोलते हैं एटलीस्ट 2 heads, देख तूने कॉइन को थ्रो किया 3 बार, कहता कि कम से कम 2 बार तो हेड आता ही हो, कम से कम 2 बार हेड जरूर आता हो, 2 से ज्यादा बार आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एटलीस्ट 2 heads में एक तो 2 head भी आएगा और एक 3 head भी आएगा, क्या इस बात को मानता है? 3 में से सिर्फ 2 पे हेड आ जाए वो भी चलेगा, 3 के 3ों पे हेड आ जाए वो भी चलेगा। 2 head कब कब होता है? HHT,
एच टी एच और टी एच एच, दो हेड इसके अलावा और कोई केस लगता है तेरे को हीरो? तीन हेड एच 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 मेरे भाई, ये चार एलिमेंट तेरे ई के अंदर हो गए। एफ में आ जाओ, एटमोस्ट टू हेड। एटमोस्ट टू हेड का मतलब क्या भाई? ज्यादा से ज्यादा दो हेड आए, दो हेड से ज्यादा नहीं आने चाहिए, तीन हेड नहीं आने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आए तो दो हेड आए, दो से कम भी आ जाए तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, तीन हेड नहीं आने चाहिए। तो मेरे दोस्त, एक कॉइन को जब तू तीन बार थ्रो करता है तो टोटल आउटकम्स कितने होते हैं निखिल? टोटल कितने आउटकम्स है बच्चों? टोटल एट आउटकम्स होते हैं। टोटल एट आउटकम्स आ रहे हैं कॉइन को तीन बार थ्रो करते हैं। उन एट आउटकम्स में से मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे तीनों पे हेड नहीं चाहिए। तो तीनों पे हेड सिर्फ एक सिचुएशन होती है, एच 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 वाली, उसको हटा दो, बाकी के सात केस बन जाएंगे। एट मोस्ट टू हेड्स, ज्यादा से ज्यादा दो हेड हो, दो हेड आए तो चलेगा। एक हेड आए तो भी चलेगा। एच टी 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 एच टी 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 एच, हेड ना आए तो भी चलेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये बात सही है बच्चों? सर रिपीट है। नियति किस चीज में दिक्कत है? नियति किस चीज में दिक्कत हुई? क्या चीज समझ में नहीं आई? अब ये मत बोल दे कि सर मैं, ये मत बोल दे कि सर मेरा नेट इंटरनेट चले गया था, ये मत बोलिए, मैं अभी आ रही हूँ, दोबारा बताओ। सर मैंने कुछ बोला ही नहीं। कौन था लड़का रिपीट वाला? कौन था रिपीट वाला? कौन था फिर एक बार पता चले ना यार। मैं श्रेया कुमारी, किस चीज में दिक्कत है मैम? श्रेया सर एफ की कंडीशंस, एफ की कंडीशन पढ़ो बेटा पहले, क्या है मुझे ये बताओ पहले जरा। सर मतलब ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा दो हेड होना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा दो हेड से आप क्या समझे पहले ये समझाओ बेटा मुझे। आज भैया आज तुम लोगों की अग्नि परीक्षा, तुम लोगों से पूछूंगा सवाल है ना, जिसने कोई भी डाउट पूछे। दो हेड होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, उससे कम भी हो सकता है। उससे कम भी हो सकता है? क्या जीरो हेड भी हो सकता है? यस सर। एक हेड भी हो सकता है? दो हेड भी हो सकते हैं, बट दो से ज्यादा हेड नहीं होने चाहिए, तीन हेड नहीं होने चाहिए। तो बहन जरा इसमें देख, इसमें एक भी हेड नहीं है, ये तो ठीक है। एक दो तीन, इन तीनों में एक एक हेड है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। इन तीनों में देख दो दो हेड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तीन हेड वाला केस नहीं लिया क्योंकि उसने क्या बोला था, एट मोस्ट टू हेड। बोल बेटा कहाँ दिक्कत है? नहीं है सर। नहीं है तो तूने तो खुद ही, तूने तो क्वेश्चन का आंसर खुद ही दे दिया। तो कह रही सर रिपीट। मैं ये नहीं बोल रहा, मेरी बात सुनो, सभी बच्चे सुनो यहां से, रिपीट नहीं। जब तुम बोलते हो सर रिपीट, तो रिपीट में मुझे समझ में नहीं आता कि रिपीट करना क्या है। तुम्हारे जिस चीज में कंफ्यूजन होती है ना बेटा, उस चीज को पूछा करो, तभी ज्यादा मेरा भी टाइम बचेगा और अब सबका टाइम बचेगा, ठीक है बहन? इस चीज का ध्यान रखना है। तो अब देखिए, ई हुआ एफ हुआ, ई इंटरसेक्शन एफ, दोनों में कॉमन देखो एच एच टी एच टी एच टी एच 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 एच, वो एच 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 में है बट यहाँ नहीं है यार। क्या ये तीन ही चीजें कॉमन है बच्चों? जी सर। किसी को इसमें दिक्कत हो बता दो बेटा। तीन के बट्टे में सात, तीन के बट्टे में एक दो तीन चार पाँच छ सात, किसी को तकलीफ हुई है तो बता दो। अब बताओ किस चीज में दिक्कत हुई है? बड़े आगे एक बार टोटल आउटकम्स लिखने की सर वो बता दो, मतलब टोटल आउटकम्स इसके पूरे लिखने की कोई ट्रिक हो। कॉइन के लिए रूल है, कॉइन के लिए टोटल आठ आउटकम्स थे, चार बार हेड लिख, चार बार टेल, ये ठीक है? चार का आधा कर, दो बार हेड दो बार टेल, दो बार हेड दो बार टेल, दो का आधा एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल, एक हेड एक टेल। सर आपने YouTube पे सिखा रखी है 11th क्लास, सब पढ़ा रखा है, YT पे तो सब कुछ है बेटा। जिसने दिल से पढ़ना चाहा होगा उसने YT से सब कुछ सीख लिया है, ठीक है? और जिसने नहीं पढ़ना चाहा है उन्होंने कोर्सेज परचेज किए हैं, मेरे भी और बहुतों के भी, और किसी की भी क्लासेस ज्वाइन नहीं करी, समझ रहे हो? तो सर अगर ज्यादा वो आए आउटकम्स तो उसका आधे का लिख के ऐसे। हाँ, अगर चार बार थ्रो किया होता तो 2 की पावर में 4 16। हालांकि तुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है,
भाई खुद को ऐसे तैयार करो कि उसके बिना ही तुम इसको सोच पाओ, समझ पा रहे हो हीरो? देख एक और क्वेश्चन करते हैं, अगर एक और करते हैं। एक भाई ने कह रहा था सर इसके थर्ड पार्ट भी बताओ, थर्ड पार्ट भी देखो, थर्ड पार्ट भी देख भाई। हमारा भाई नहीं सोच पा रहा था। इवेंट ई क्या है? एट मोस्ट, अब टोटल एट टेल्स, मोस्ट टू टेल मैं बोलता हूं, तो ज्यादा से ज्यादा दो टेल हो, दो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए टेल, कम हो जाए भले। तो देखो दो टेल, टी एच टी, एच टी टी, एक टेल टी एच एच, एच टी एच, एच एच टी, नो टेल। लो भाई 7 केस बन गए। यस सर, यस सर, इवेंट एफ क्या है? एटलीस्ट वन टेल, वन टेल, कम से कम एक टेल जरूर हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो एक टेल टी एच एच टी, एच टी एच और एच एच टी, ये 3 केस बनेंगे। दो यस टेल सर, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, तीनों टेल। लो भाई सही है। इंटरसेक्शन यस बताओ, टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी। सर, सर हाँ जी बेटा, तो इसमें एटलीस्ट वन टेल है, इधर हाँ सर मतलब दो टेल लिखे हुए हैं। एटलीस्ट, भाई एटलीस्ट वन टेल मतलब दो टेल लिखेंगे, एटलीस्ट वन टेल मतलब कम से कम एक टेल हो। जैसे हम बोलते हैं अच्छा, बच्चों 11वीं क्लास पास करनी है तो कम से कम 33 लाना। अब कम से कम 33 का मतलब क्या है कि 33 तो लाना ही लाना, 33 से एटलीस्ट ज्यादा ले आओ तो मना नहीं है, इतने तो सर, जरूर लाना। तो और एट एटमोस्ट मोस्ट होता तो भैया उससे ज्यादा मत लाना, होता, सर ठीक ठीक है? जेई का पेपर दोगे तो 10,000 से ज्यादा रैंक मत लाना भाई, ठीक है? लाना तो कम ले आना रैंक, भले उससे ज्यादा मत लाना, 11,000 रुपये में चले जाना। सही बात है दोस्त? हाँ ठीक है। देख मेरे भाई, तो कॉमन क्या क्या है बच्चों वहाँ? एटमोस्ट टू कह रहे एच हैं। एच को छोड़ के बाकी सारा। देखो टी टी, देखो वहां क्या है, एटमोस्ट टू टेल्स, उसमें कितने टेल आ रहे हैं? दो टेल भी आ रहे हैं, एक टेल भी आ रहा है, जीरो टेल भी आ रहा है। एटलीस्ट वन टेल में एक टेल आ रहा है, दो टेल आ रहा है, तीन टेल आ रहा है, तो ये दो चीजें कॉमन होंगी, मानते हो? 6 एलिमेंट कॉमन आ रहे होंगे, मानते हो बच्चों? हाँ जी यस भाई तो सर, जी वन सर, टेल टी एच एच दोनों में होगा, एच टी एच दोनों में होगा, और एच एच टी भी दोनों में होगा, फिर टी टी एच भी दोनों में होगा, टी एच टी भी दोनों में होगा, और एच टी टी भी दोनों में होगा। क्या दिख रहा है सबको? टी टी एच, टी टी एच, टी एच टी, टी यस एच सर, टी, एच टी टी, एच टी टी, टी एच एच, टी एच एच, एच टी एच, एच टी एच, एच एच टी, एच एच टी। तो 6 एलिमेंट आ गए। हमें चाहिए ई बाई एफ, फॉर्मूला जानते हैं सभी? यस सर, छ लो इंटरसेक्शन एफ अपॉन एफ, भाई, देने आगे आगे बढ़े बच्चों। यस सर, यस यस सर, देखिएगा, अब देखो 7वां क्वेश्चन देखो। दो कॉइन को टॉस किया कितनी बार? एक बार। तो यहां तो सैंपल स्पेस बनाना बड़ा आसान काम है भाई। टू कॉइन्स आर टॉस्ड, यस एच एच, सर, एच टी, टी एच, टी टी, अगर बन सकता है तो बना लो यार। इवेंट ई में क्या कह रहा है? टेल अपियर्स ऑन वन कॉइन, किसी एक कॉइन पे टेल चाहिए, तो कह दूं एच टी और टी एच रहेगा। यस सर, कई बार बच्चे ना इस टी टी को भी ले लेते हैं, सर देखो वन कॉइन पे है तो टेल। भाई एटलीस्ट वन नहीं बोला, वन कॉइन बोला, टेल ऑन वन कॉइन, बात समझ पा रहे हो? एफ में क्या बोला यस है? सर, वन कॉइन शोज हेड, तो भैया एच टी टी एच ही है, तो भैया तो दोनों कॉमन आ गए, तो आपका जो आंसर है ई वाई एफ, टू बाई टू, तो 2/2 वन आ गया। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला? नो टेल अपियर, नो टेल, टेल आना ही नहीं चाहिए। तो देखो इस पे टेल है, इस पे अच्छा टेल है, इस पे टेल है, तो ये एच एच रहेगा बस। और एफ में क्या है? नो हेड, टेल नो हेड, हेड आना ही नहीं चाहिए, तो क्या है वो? टी टी। तो टेल कुछ कॉमन ही नहीं है, जीरो जो कुछ कॉमन नहीं है फाइव तो ई वाई एफ।
न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन, डिनोमिनेटर में एफ। अब इंटरसेक्शन में एक भी एलिमेंट नहीं है जबकि एफ में एक एलिमेंट है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। मुश्किल काम है? नहीं 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 सर। बड़े आगे बढ़े। यस सर। आठवा है किसी का? आठवा तो मैंने कल करा लिया था। नाइन्थ है किसी का? नाइन्थ, नाइन्थ कोई नाइन्थ वाला है या हो गया? हो गया सर। हो गया। ओके टेंथ देखना निखिल भाई, थोड़ा बहुत आ रहा है भाई समझ में? निखिल ये एट वाला मेरे को समझ आ गया। एट वाला समझ में आ गया? कुछ तो, कुछ तो आ रहा, चल आ रहा एटलीस्ट। कह रहे कि एक थ्री आउटकम क्या कह रहा है सर? ये मैं थ्री आउटकम को रिलेट नहीं कर पा रहा, उसके कारण ये टू आउटकम वाले को रिलेट कर दिया। अच्छा थ्री आउटकम वाले रिलेट नहीं कर पा रहा, मतलब जिसमें हेड टेल हेड आ रहा था ना ये, हां वो समझ में आ गया। चलो अब ठीक है मामला, ये बढ़ूं आगे बताऊं कुछ? यस सर। देख मेरे दोस्त, कह रहे कि बच्चों ब्लैक एंड रेड डाइज आर रोल्ड। एक ब्लैक डाइज है और एक रेड। दो डाइज को मैंने रोल किया। स्टेटमेंट है यहां पर, आपको डायरेक्टली नहीं बता रखा होगा कि ई बाई एफ निकालना है, एफ बाई ई निकालना है। यहां पर ई और एफ आपको खुद मानना है, आप लोगों को खुद सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जो चीज फाइंड करनी है उसे ई नाम देंगे, जो हो चुका है उसे एफ नाम देंगे। क्वेश्चन में सबसे पहली बात बोली कि एक ब्लैक के साथ एक रेड डाइस को तुमने रोल किया, थ्रो किया, तो क्योंकि दो डाइस को थ्रो कर रहे हो तो यहां पर तो आउटकम्स तो टोटल 36 ही आने हैं। ये ठीक है, टोटल 36 आउटकम्स आने यहाँ पे। फिर इसने बोला फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। याद रखना, सुनना शब्दों को, जो चीज फाइंड करनी है उसे ई नाम दोगे, जो चीज गिवन है या हो चुका है उसे एफ नाम दोगे। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड करना क्या है, ई बाय एफ। जो हो चुका होता है उसका डिनोमिनेटर में, जो चीज फाइंड करना उसका न्यूमरेटर में। मतलब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। सम क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन से बड़ा 9। अच्छा, क्या हो चुका है? गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई शोज 5। अब मेरी बात सुनो, सम ग्रेटर देन 9 का मतलब होता है कि सम 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इसमें काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, मैं उनको नहीं लिख रहा बच्चों। इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे मैं उनको नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा एफ के एलिमेंट्स लिखता हूं। ब्लैक डाइस पर क्या आया निखिल भाई? पांच। पहली डाइस पे 5 आया है निखिल। निखिल इसने नहीं बताया कि दूसरी पे क्या आया, तो मैं अपने यहां पे लिख लेता हूं 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। निखिल ये ठीक है मेरे दोस्त? यस सर। अब मुझे देख इंटरसेक्शन लिखना है, तो निकल देख मैंने ना एफ के ई के एलिमेंट्स तो मैंने लिखे नहीं है। अब होंगे उसके अंदर काफी सारे एलिमेंट्स होंगे, वो जो भी एलिमेंट्स उसके अंदर होंगे अगर वो इसके अंदर भी हैं तो वो इस इंटरसेक्शन का पार्ट होगा। एफ के एलिमेंट्स को ध्यान से देख, सोच क्या 5, 1 उसमें होगा? नो सर। नो सर। 5, 2, 5, 3 5, 4 नहीं सर। क्या 5, 5 उसके अंदर होगा बच्चों? 5, 5 जी सर। यस सर। यस सर होगा। क्या 5, 6 उसके अंदर आएगा बच्चों? यस सर। दो ही एलिमेंट है बस और इसमें 6 हैं। हमारा आंसर 1/3 हो गया। बच्चों मुश्किल काम है? नो सर। नो सर। सर एक और क्वेश्चन ऐसा करवा दो सर। सेकंड पार्ट देखो इसका भाई। पहली ब्लैक डाइस, दूसरी रेड डाइस। पहली ब्लैक और दूसरी रेड।
जो चीज फाइंड करनी है उसको ई नाम देंगे, जो हो चुका है उसको एफ नाम देंगे। कह रहा फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टेनिंग द सम एट, सम होना चाहिए एट। ओके गिवन दैट, गिवन दैट क्या गिवन है, रेड डाई रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन फोर, रेड डाई शोज अ नंबर लेस देन फोर। निखिल भाई जो दूसरी वाली जो डाइस है उस पर चार से छोटा नंबर आया है, चार से छोटा क्या नंबर हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, क्या इसने बताया कि पहली पे क्या आया? आप देख मान ले दूसरी पे वन आया है, पहली पे वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, फाइव हो सकता है और सिक्स हो सकता है। क्या ये छह केस बनेंगे जब उस पे वन हो और इस पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स हो? ऐसे ही यहाँ टू वन और टू टू, वन टू, टू टू, थ्री टू, फोर टू, फाइव टू और सिक्स टू। ऐसी यहाँ पे वन थ्री, फिर टू थ्री, थ्री थ्री, फोर थ्री, फाइव थ्री और सिक्स थ्री। ये बात समझ पाए बच्चों? 18 केस होंगे। वैसे भी सोचो टोटल केस 36 होते हैं जब दो डाइस को थ्रो करते हैं। भाई इसने बोला रेड डाइस पे चार से छोटा नंबर आया, वन टू थ्री, फोर फाइव सिक्स को तो हटा दिया, तो आधे तो केस बचे, देख सकते हो 18 केस हैं। अब मुझे बताओ हमें चाहिए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में ये देखो कि इनमें कौन सा एलिमेंट है जो जिसपे समेशन एट आता है। वन वाली लाइन में तो कोई नहीं होगा, इस वाली लाइन में आपको सिक्स टू दिख जाएगा, फाइव थ्री, और इसमें बट आपको फाइव थ्री दिख जाएगा। क्या है करेक्ट है भाई? यस सर। कोई एक लड़की तुम्हें से कुछ दिन पहले बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी, कौन थी वो भटकती आत्मा? तू ही थी। बोलो बच्चों ठीक है? यस सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे जो ई है ना हमारे पास, इसमें एक पॉसिबिलिटी होगी 2,6, ठीक है, पर 2 ब्लैक है और 6 रेड है, ठीक है, तो सर इसमें 6,2 और 2,6 सिमिलर होगा? नहीं सिमिलर क्यों होगा, आप पहले तो ये डिसाइड करो कि पहले कौन सी डाइस है फिर बाद में कौन सी डाइस है। मैंने उसको ध्यान में रखकर इसको ब्लैक और उसको रेड माना हुआ है, तो दूसरे नंबर की, हाँ तो दूसरी डाइस हमारी रेड ही है, ठीक है, हाँ तो 2,6 उसके अंदर भले होगा बट 2,6 इसके अंदर नहीं है, तो इसलिए वो देख सकते हैं उसका पार्ट भी नहीं, इंटरसेक्शन का पार्ट भी नहीं होगा, ठीक है? यस सर। ओके हमको हमेशा एफ तो निकालना ही पड़ेगा फिर। देख मेरे दोस्त इस क्वेश्चन में मैं वैसे ना ये सभी 18 एलिमेंट्स में लिख के नहीं दिखाता, बट मेरे साथ क्योंकि निमिता भी थी तो उसकी वजह से बेटा मैंने सारे 18 एलिमेंट यहाँ पे लिख डाले। मैं सीधा ये कर सकता था कि सम इज 8, तो समेशन 8 है, तो समेशन 8 कब कब हो सकता है, 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2, ये 5 केस बनते। फिर मैं ये सोचता कि इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा जो सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक तो 6,2 सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरा 5,3 सेटिस्फाई कर रहा है, तो दो मेरी इंटरसेक्शन का पार्ट हो जाते हैं, सही बात है। और एफ के इन सभी एलिमेंट्स को लिखे बिना भी बेटा आप डायरेक्टली लिख सकते थे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ इक्वल्स टू 18, समझ पा रहा है? अगर तू सोच पा रहा है तो, क्योंकि क्योंकि टोटल 36 केसेस हैं, तो 6 केस कौन से जब यहाँ पे 1 आता होगा, 6 केस कौन से जब यहाँ पे 2 आता होगा, 6 केस कौन से जब यहाँ पे 3 आता होगा, तो सर 18 केस बन रहे हैं ना। तो सोच अगर ये 3 डाइस थ्रो कर रहे हो तो सबको थोड़ी लिखने बैठ जाएगा फिर, तो कहीं कभी बेटा हमको सिर्फ डायरेक्टली नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी लिखने पड़ेंगे, हम सबको लिखना कई बार पॉसिबल नहीं हुआ करेगा मेरे दोस्त, ठीक है पात्र? यस सर। 12वां हमने कल कर लिया था, 13 देखते हैं। भैया एक बात बोलूं? बोल बेटा मुझे डर लग रहा है, हालांकि बोल बेटा क्या बोलना चाह रहा है, बोल। हाँ नहीं वैसे नहीं है, जैसे कि इसमें जो क्वेश्चन है ये तो, हाँ इसमें क्वेश्चंस हैं वो तो हो जा रहे हैं आराम से, मतलब पढ़ के ही आंसर
आ जाता है किसका, पर वो लिखना कैसे है वो समझ नहीं आ रहा। ये रहा ना, ये रहा, ये तो प्रेजेंटेशन है। लोग प्रेजेंटेशन करनी नहीं आ रही, वो आंसर तो आ जा रहा है। सिंपल देख, स्टेप सुन ध्यान से। वर्ड प्रॉब्लम जब भी दे रखी है तेरे को एक काम करना है, एक इवेंट तूने माननी है ई, ठीक है, एक इवेंट तूने माननी है एफ, ये बात ठीक है? ठीक है, जो जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, एक इवेंट मानी ई, एक इवेंट मैंने मानी एफ, सीधा इंटरसेक्शन लिखना है, ई बाई एफ का फॉर्म लिखना है, आंसर निकालना है, ये स्टेप ठीक चलेंगे है। भाई। ये हर क्वेश्चन में मैं यही कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा मैं कर ही नहीं रहा हूँ, देख सकता है तो। ये सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन है बेटा, ये सारे दो दो नंबर ये के, वर्ड तो भी दो नंबर में हाँ वर्ड प्रॉब्लम्स आपकी दो नंबर में आ रही है सारी ये, ठीक है। शायद अगर देना हो तो एमसीक्यू में शायद अगर आ जाए तो एक नंबर का आएगा, बट वो बहुत आसान होगा, जहां पर भी लगेगा कि थोड़ा है अच्छा क्वेश्चन तो वो दो नंबर में देगा बेटा फिर वो, ठीक है। ठीक है सर। अब जैसे देख इसकी बात करते हैं, क्या बोला है, पहले तो डिटेल जो दे रखी है, एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन। देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन भी दो तरह के हैं, 300 हैं इजी एंड 200 हैं डिफिकल्ट। डिफिकल्ट करके फिर कहता है कि 500 इजी एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। डिफिकल्ट सर मैंने थोड़ा लेट इसलिए ज्वाइन किया, मेरा हेडेक था। ठीक है सर, ध्यान रखो बेटा अपना, पढ़ाई तो होती रहेगी, अभी भी हल्का फुल्का तो है, चल जाएगा काम। कुछ दवाई वाई ले लो बेटा वरना। लिया था शाम को, लिया था शाम से ही हो रहा था, तब से ठीक नहीं पर मैं हुआ, क्वेश्चन सॉल्व नहीं। तब कौन सी दवाई ले ली? तो अरे पैरासिटामोल ली थी मैं तो। पीसीएम से तो बुखार ठीक होता, सर दर्द थोड़ा ठीक होता है नहीं सर दर्द ठीक हो जाता वही है। तो सर। पीसीएम से सरदर्द ठीक हो जाता है बच्चों? यस सर होता है बुखार का होना सर। हेलो कैसी पीसीएम बात, तो सर सरदर्द की वजह ही है, पीसीएम से ही तो सरदर्द होता पीसीएम है। से तो बल्कि सरदर्द होता, सही बात है। पैरासिटामोल तो सरदर्द ठीक नहीं होता था, उसको तो बुखार वगैरह ठीक करता है ना। अरे सर मुझे जुकाम वगैरह की वजह से ही था ना, अभी थोड़े टाइम से प्रॉब्लम थी। अच्छा भी प्लान किया होगा कोई कोई सरदर्द की दवाई बताओ भाई को यार, कोई क्रोसिन वगैरह ले भाई तो, है ना, डिस्प्रिन। डिस्प्रिन वगैरह ले भाई डिस्प्रिन कुछ, हाँ उससे सर, तुरंत 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 सरदर्द ठीक हो जाता है, ठीक है ना। हाँ डिस्प्रिन सर। ठीक है सर। हाँ सर आप तो यूट्यूब पर कोरवान का भाई के नाम से आ रहा था वही, और उससे भी बढ़िया एड भाई पैराडोन ले लियो। तो मेरे सभी डॉक्टर्स देखते हैं फिर मैं मेरे भाई का तो, मेडिकल है, मेरे भाई का मेडिकल है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हमारी दुआ ले ले भाई। ओके 5 4 9 3 12 दो, टोटल कितने क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे? 1400। 1400। श्रेया कुमारी यहाँ तक ठीक है बहन? क्वेश्चन यस सर। नियति, श्रेया तू क्वेश्चन पूछती है मेरे दिमाग से नियति निकलने लग जाता है, बताओ यार, है ना। हालांकि तुम्हारी आवाज सिमिलर है मेरे ख्याल से, थोड़ी तभी मैं बोलता हूँ शायद। ओके तो आई थिंक नियति बहन को भी क्लियर होगा आई थिंक यहाँ तक, फिर अब क्वेश्चन को अब पढ़ते हैं आगे हैं, अब डाउट अब से आना चाहिए, देखिएगा। यस सर। हाँ क्वेश्चन इज सेलेक्टेड एट रेंडम, रेंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किया, ठीक है रेंडमली करते हैं भैया काम, फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक। ओके नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो चीज फाइंड करना है वो ई, जो हो चुका है वो एफ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी अ इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, गिवन दैट कब कब, व्हेन इट इज अ, गिवन दैट इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बात ठीक है बच्चों? यस सर। ई वाई एफ, निखिल यस सर, फॉर्मूला यही है? यस सर। निखिल भाई सोचेंगे बस, हाँ बाकी भी सोचेंगे दिमाग में। निखिल भाई एफ में बता एमसीक्यूज में कितने एलिमेंट होंगे? नाइन 900 एमसीक्यूज में, 900 क्वेश्चंस। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा बेटा निखिल यहां पे? इजी में और एमसीक्यू में, इजी में एंड एमसीक्यू में बता बेटा कॉमन क्या है? इजी एंड एमसीक्यू, वो क्वेश्चन जो इजी भी है और वो एमसीक्यू भी है,
तो इजी में एमसीक्यू बच्चों 500 नजर आ रहा सबको? यस सर बहुत आसान क्वेश्चन था बच्चों, यस सर यस सर बड़े आगे बढ़े। यस सर सर फिर अरे मल्टीपल सर ये कौन है क्वेश्चन। सर गा के कौन बोल रहा सर? सर एक बार 11th का थर्ड पार्ट बता दो, कमेंट आ रहा है यूट्यूब पे। 11th का थर्ड पार्ट कमेंट आ रहा भैया? कमेंट लो ही आवे, देख लियो 11th का थर्ड पार्ट। अ फेयर डाइस इज रोल्ड, कंसीडर इवेंट्स। ई दे रखा है 1 3 5, एफ क्या दे रखा है भैया 2 3, जी दे रखा है 2 3 4 5। अच्छा यूनिवर्सल क्या है, सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस डाइस को थ्रो किया है ना, तो 1 2 3 4 5 6 होगा। क्या निकालना मुन्ना माइकल? बहन डाइस को थ्रो करना है ना, डाइस को, तो डाइस पे क्या 6 आता है कि नहीं आता है? चल आ गया आता है बेटा, कोई बात नहीं। करे सर थोड़ा धीरे सोचती हूँ मैं, कोई बात नहीं बेटा। प्रोबेबिलिटी बच्चों क्या इसी चीज की निकालनी है? ए यूनियन एफ के अपॉन में जी। देखो भाई सिंपल सा नियम है मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल सा नियम है। न्यूमरेटर में होता है इंटरसेक्शन किसका किसका? है डिनोमिनेटर का। शाबाश। ऊपर वाले का और नीचे वाले का क्यों भाई? ई और एफ का। और डिनोमिनेटर में ये जी की प्रोबेबिलिटी आ जाती है। इस चीज को देख लो पहले जरा तुम लोग, क्या इतना ठीक है कि नहीं है? सर सही है। भाई अगर तुम्हें ई बाई एफ निकालना तो इसका और इसका इंटरसेक्शन देख सकते हो, तो हमें इसका और इसका बीच में क्या लगा, इसके और उसके बीच में इंटरसेक्शन आ गया। अब देखो जी जी में तो चार ही एलिमेंट है, नीचे तो पता चल गया जी चार है। न्यूमरेटर में क्या है? न्यूमरेटर में तो देखो जी, न्यूमरेटर में सबसे पहले तो तुम्हें चाहिए यूनियन, यूनियन ई और एफ का। ई और एफ का यूनियन क्या होगा? 1 3 5 2 3 दोबारा नहीं लिखूंगा। फिर जो यूनियन आया, इस यूनियन के साथ इंटरसेक्शन किसका? जी का। तो देखो 1 3 5 और 2 के साथ इंटरसेक्शन किसका? जी। जी में क्या एलिमेंट है? 2 3 4 5। तो इसमें और इसमें इंटरसेक्शन क्या है? 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, 5 दोनों में है, सही बात है। तो इसमें 3 आ जाएगा, 3/4। क्या बोलते बच्चों, ठीक है? यस सर। श्रीराज भाई थोड़ा वाईटी वाले कमेंट्स भी देखते, आकर्ष भाई वाईटी वाले कमेंट्स देखते रहो मेरे दोस्त, ठीक है ना? मतलब बच्चों के जो क्वेश्चन हो, मैं क्योंकि मैं थोड़ा कमेंट्स पे कम ध्यान दे रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। ओके 14th एग्जांपल 7 दो तीन लोग बोल, बिल्कुल। अरे वो तो कराना ही मेरे भाई, कराना है, बिल्कुल कराना है। ओके सर, करा। गिवन दैट Given that the two numbers appearing on throwing two dice are different, ये चीज given है, ठीक है? Yes sir. एक चीज find करनी होती है और एक चीज हो चुकी होती है। Find the probability that sum of the number on the dice is 4. Sum कितना हो? Sum चार, चार होना चाहिए। गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन दैट टू नंबर्स डिफरेंट है, दोनों नंबर आर डिफरेंट। अच्छा सम चार कब कब होता है? इसके मत सोचना, अभी सिर्फ इसके बारे में सोचो। 1 3 3 1 2 2 3 1 3 1, ठीक है? कई बार बच्चे बोलते हैं सर आपने 2 2 क्यों लिख दिया, वहां तो नंबर डिफरेंट बोल रखा है। भाई बिल्कुल नंबर डिफरेंट बोल रखा है, बट अभी सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं? सम फोर, समेशन फोर की। अगर इंटरसेक्शन निकालना होता
तो तुम बोलते कि 1 3 इसमें होगा, 2 2 इसमें नहीं नहीं होगा, होगा, 3 1 थ्री वन इसमें इसमें होगा होगा होगा। तो तुम्हें इंटरसेक्शन तो पता चल गया, सही बात है। 30। और तुम्हें चाहिए क्या? माइक ऑफ करेंगे सर, सबका माइक ऑफ चाहिए। मैसेज में बताना है एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मैसेज में बताना है एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे, एफ में कितने एलिमेंट्स होंगे मैसेज में बताना है जल्दी से। सर क्या है, क्या है? ये नहीं आया ऊपर वाला। दो डाइस का समीशन 4 कब होता है? सर वो तो आगे पर 2 2 लिया, क्यों नहीं लिया, ये नहीं आया। 2 2 क्यों नहीं लिया? 2 2 क्यों लूंगा मैं? क्या पे क्या लिखा है, क्या लिखा है इस पे? क्या यहाँ पे ये बोला कि नंबर्स आर डिफरेंट एंड देन सम इज 4, क्या ये लिखा है यहाँ पे? सर क्वेश्चन में ना। क्वेश्चन छोड़ यार, क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ लेता है, क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन हमने सुना कभी आज तक? हम तो अपनी चलाते हैं। ई को देख यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम इज 4, समेशन 4 इन 3 में तो होता है, और कब होता है? क्यों सर डिफरेंट? बच्चे कह रहे हैं सर 30 30 30 और राइट आंसर आ गया 2 बाय 30 एंड करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1 बाय 15। अब वो बच्चे जरा बोलेंगे सर किनको समझ में नहीं आया कि 30 क्यों? आरुष को समझ में आ गया, आरुष उगल को कि 30 क्यों हुआ है? ये मैंने ऐसे किया था लाइक जो आपने 2 बॉक्सेस बना के बताया था उसे 5 x 6 के 30 आ गया, बट सर सैंपल इसमें मैंने बनाई नहीं तो बस सीधा लिख सकते ना कि जरा 30 एलिमेंट। हर्ष प्रताप सिंह तोमर, यस सर, तुझे समझ में नहीं आया कि 30 क्यों हुआ यहाँ पे? आ गया सर, मैं लास्ट क्वेश्चन की पूछा था आपसे, 11th वाला समझ में नहीं आया सर। अब 11th की बात करते हैं। 30, अबे 30 वाला कौन है? माइक ऑन करो सीधा, कौन है? निमिता नहीं समझोगी, निमिता मैंने तो नहीं समझी ना, माइक ऑन कर। सर मैं समझ गई। क्या निमिता तू इतनी समझदार आज कैसे हो गई? आज सब समझ रही है आज तो। अरे नियति समझी कि नहीं समझी? हृदय लक्ष्मी समझा, ओके ठीक है। अरे यहाँ पे सब नियति, नियति मैम नियमित, नियति तो यही नहीं समझी, नियति तो इस पे अटकी पड़ी है। नियति है, नियति नियति रे, नियति बहन। यस सर। अगर मैं पूछता इजी क्वेश्चन कितने हैं तो तू बोलती सर 5 और 3 800 है, मानती है? अगर मैं तेरे से पूछता यहां पे सम इज 8, अब समेशन 8 और यहां पे रेड डाई शोज अ नंबर लेस देन 4, तूने बता यहां पे 2 6 क्यों लिख दिया? वहां तो नंबर लेस देन 4 बोला था, यहां तो 6 आ रखा है, क्योंकि अब सुन ले ध्यान से, क्वेश्चन में जो भी चीज पूछी गई है उसको हम इवेंट ई मानते हैं, जो इवेंट हो चुकी है उसको हम एफ मानते हैं। इस इवेंट ई के एलिमेंट्स को जब आप लिखोगे, अगर लिखोगे तो उसका एफ से कोई लेना देना नहीं होता, एफ को ध्यान में नहीं रखना, और जब एफ के एलिमेंट्स लिखते हो तो ई को ध्यान में नहीं रखना। हम ई और एफ दोनों को ध्यान में रखते हैं कब? जब क्या लिखना हो, जब इंटरसेक्शन लिखना हो बहन, इंटरसेक्शन, ठीक है लड़की? तो यहां पर देख क्या बोला इवेंट ई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गिवन दैट 2 नंबर्स ऑन द थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, दोनों नंबर डिफरेंट है तो वो इवेंट एफ है, 2 नंबर्स आर डिफरेंट। अब फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाइस इज 4, सम जो है वो 4 होना चाहिए इवेंट ई जो आपको फाइंड करनी है। तो समेशन 4 कब कब होता है, तो सारी पॉसिबिलिटी सोच कब कब होता है, अगर लिख रही है तो 1 3 2 2 3 1, ये तीन एलिमेंट आ जाएंगे इसके अंदर, क्या ये ठीक है? अब निकले 6 ऑप्शन है, बट जो नंबर यहां आ गया
वो नंबर वहां नहीं आएगा, वहां एक नंबर कम हो जाएगा फिर। तो अगले के लिए पांच ऑप्शन बचेंगे, तो 6 × 5 यहाँ पर आपके 30 एलिमेंट्स बनेंगे। तो ऐसे में आपका 2/30 1/15 आपका आंसर बन जाएगा। अब जो कह रहा है कि नहीं सर नहीं आ रहा समझ में, तो बेटा दिमाग के ढक्कन खोलो, सोचो। जब दो डाइस को थ्रो करते हैं दो बार, दो डाइस को थ्रो करते हैं नॉर्मली एक एक बार हम, तो टोटल 36 आउटकम्स होते हैं। 36 आउटकम्स। इसने बोला टू नंबर्स आर डिफरेंट, वो जो दो नंबर उस पे आएंगे वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। तो यानी कि क्या इसके अंदर, बेटा ये बताओ, क्या इसके अंदर 1-1 आएगा, क्या इसमें 1-1 आएगा, क्या इसमें 2-2 आएगा, क्या इसमें 3-3 आएगा, 4-4 आएगा, 5-5 आएगा, क्या क्या इसके अंदर 6-6 आएगा? आप बोलेंगे नहीं सर, ये 6 एलिमेंट इसके अंदर नहीं आएंगे। तो 36 में से तो इन 6 को हटा दे बेटा, तो कितने बचेंगे? 30 बच रहे कि नहीं बच रहे? 30 वाला फंडा समझे भाई कि नहीं समझे? हेलो 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 हेलो, बहुत सुंदर हेमंत दंडोतिया बेटा, बहुत सुंदर। तो भाई बस यही काम हम लोगों ने किया है यहां पर, हमने पूरे सैंपल स्पेस में से 1, 1, 2, 2, 6, 6 तक हमने हटा दिया। तो इस F के अंदर कितने एलिमेंट हो गए? 30 एलिमेंट्स हो गए, जिसे आप 6 × 5 भी कह सकते हैं, 30। तो इस तरह से बेटा हमारा ये आंसर बन गया यहाँ पे। डन है बड़े बच्चों, आगे बढ़े आप? यस सर। 11वां क्या बोलते हैं, 11वां कौन कह रहा था भाई? एक सर मैं। क्या क्या दिक्कत थी बेटा इसमें? सर ये आपने ए यूनियन एफ इंटरसेक्शन जी कैसे किया सर, ये समझ में नहीं आया। ए यूनियन एफ समझा था तो? हाँ सर वो तो समझ गया। ए यूनियन एफ की जगह था, ए यूनियन एफ लिख दिया, आगे इंटरसेक्शन था, जी क्या है? जी 2345, ये रहा 2345। तो इसमें और उसमें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है इसमें? सर मैंने ऐसे किया था, ये सेकंड वाला पी ई बाई जी लिखा है ना सर, तो ई और जी में डायरेक्ट देखा था, तो 1/4 समथिंग आया था मेरा। मेरे भाई तो वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, दोनों सेम का है। तोमर ई बाई जी अगर निकालना होता तब तो सिंपल पता चल रहा है मेरे दोस्त, तब तो ई और जी कॉमन क्या है, कॉमन 1 नहीं है, 3 है, 5 है, तो 3 और 5 दो एलिमेंट कॉमन है, और G में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है। तो तेरा आंसर कितना आ रहा था, 1/2 आ रहा था। लेकिन बता यहां तुझे क्या E और G में कॉमन देखना है, कॉमन किस में देखना है? अच्छा, इस यूनियन और इस G, इस यूनियन और G में कॉमन देखेगा ना दोस्त? हाँ सर हाँ। तो क्या देख रहा तू सर? मुझे लगा आपने सेकंड वाला करा है। बेटा दिमाग से भी यहीं पे रहो बच्चे, दिमाग से भी यहीं पे रहो। क्या सोच रहे, दिमाग में कोई रील चल रही है? नहीं, है? नहीं पक्का है ना? नहीं सर। ओके चल सर। क्या है सर, हमेशा यही करना पड़ेगा कि ए जो दे रखा है उसे एफ और जो निकालना वो ई, अगर अलग कर दें हम? अलग कर ले, कोई टेंशन नहीं है भाई। ये ध्यान रख, जिस जो भी तू नाम दे रहा है तो जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अनुसार तो नाम दे दे, और जो पूछेगा वही फाइंड भी करियो फिर, ठीक है दोस्त? तेरी इच्छा है बेटा, इसको टेंशन नहीं है। जो प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम नहीं है उसको भी प्रॉब्लम बना रहे तुम लोग तो यार। चलिए एनसीईआरटी एनएफएमएस चैप्टर के लिए। हां तो ये कर ले बेटा यार, बाकी जो मैं और कुछ अगर कराऊंगा तो वो भी करने पड़ेंगे। लेकिन मैं अगला क्वेश्चन आ रहा है, अभी नहीं आना चाहिए डाउट। हाँ बोलो बेटा बोलो। अलग अलग कैसे? बट अलग अलग इन्होंने तो कहा भी। अलग अलग क्या कह रहे हैं, क्या अलग अलग है, क्या अलग अलग सर? मतलब ई के अंदर और कुछ ले सकते हैं क्या, ई और एफ के अंदर और कुछ? अरे निमिता तू दूसरों की मत सुना कर, तू अपने दिल की सुन और अपने दिमाग की सुन, सुन रही है बहन? दूसरों की चीजें मत सुन, जीवन में तेरे बहुत तकलीफें हैं उनकी रहने दे बेटा, तू सुन रही है? अलग अलग वैसी कंफ्यूज आता मैं उसकी और सुनेगी, वो पता नहीं क्या अजीब सी बात बोल रहा है, नहीं मेरे को भी सुननी है ना, लाइक अपनी बात सुन, बस सुन ली पागल लड़की। क्या अलग अलग क्या अलग, सब कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ जानना है इस लड़की को, अलग अलग। अब भाई 15वां भी बता रहा हूँ, 15वां भी बता रहा हूँ, लेकिन रुकना है, समझना जरा भी, ठीक है ना? रुकना है बेटा जरा। सर आगे बढ़ो जल्दी, वाह बेटा अद्भुत,
अबे बढ़ रहा हूँ यार, बढ़ रहा हूँ, रुक जा जरा, तुमसे ज्यादा जल्दी मेरे को है खत्म करने की, आगे बढ़ो नालायक यार। चलिए अजरा समझना, 15वां भी बताएंगे यार, 15वां भी बताएंगे, 15वें से पहले एक एग्जांपल समझेंगे, और एक एग्जांपल से पहले बच्चों यहाँ पे एक बात और समझेंगे, एक क्वेश्चन सुनना जरा। अ कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल टॉस इट अगेन अदरवाइज थ्रो अ डाइस। जरा इसका सैंपल स्पीस बनाएंगे सभी। अरे तन्नु बहन भी आई है क्या, जरा फटाफट से इसका सैंपल स्पीस बनाओ। खान आकिब जो बोल रहा हूं बेटा उसको कर चुपचाप से पहले। मोस्ट फेमस क्वेश्चन ऑफ क्लास 12th। चलो हो गया। ओके बाकी बाकियों का भी वेट करेंगे हम। हो गया क्या बात है, सैंपल स्पेस बन गया। यस सर। कह रहा एक कॉइन को टॉस करो, टॉस करेंगे तो हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। इफ इट शोज टेल, अगर टेल आया तो टॉस इट अगेन, तो उसको दोबारा टॉस करो। अब दोबारा टॉस करोगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, अदरवाइज थ्रो अ डाइस। बट अगर कॉइन पे टेल नहीं आया तो, कॉइन पे हेड आया तो थ्रो अ डाइस। भाई पहले इस चीज को पचालो आराम से, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, पहले इसको देख लो आराम से। सर हेड के साथ लिखेंगे ना फिर H1, H2, H3। अबे गधे देख ले, देख ले, अगर H आया तो ये छह छह चीज दोबारा तो डाइस को थ्रो करना, ये ठीक है कि नहीं देख ले फटाफट से। अभी सैंपल स्पेस लिखा ही नहीं मैंने। आया सर। हां ओके खुशी आ रहा हूं सर। सही है सर। H1, H2, H3, H4, H5, H6, TH, TT। क्या सैंपल स्पेस ये बन रहा है बच्चों, ये देख लो जरा। जी सर। यस सर। कोई ऐसा जिसका सैंपल स्पेस ये ना बन रहा हो या जिसको अभी तक समझ में ना आया हो वो हैंड रेस कर दो एक बार, या फिर माइक ऑन कर लो। जिसको समझ में नहीं आया वो माइक ऑन कर दो बेटा प्लीज। सर हाँ कौशल पाठक बोल भाई। सर इसमें अगर टेल आया तो फिर से टेल, मतलब टेल को हम दोबारा नहीं, नहीं नहीं अब ये कहानी ऐसे लंबी नहीं चलनी रहेगी। सिंपल सी बात है, कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो तू जानता या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब फिर उसके बाद क्या करना है, तो उसने बोला इफ इट शोज टेल टॉस इट अगेन, अदरवाइज अगर टेल नहीं आया तो हेड आएगा, और हेड आया तो डाइस को थ्रो करो बस। ठीक है बस टाइम करना है। बस 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 इतना ही करना है यार। ठीक है बच्चों आप सुनो भाई ध्यान से। अब अगर मैं तुमसे पूछूं सारा पॉसिबिलिटी को सब लिख दिए नीचे, क्या कर दिए हैं? ठीक है सभी पॉसिबिलिटी को लिख दिए हैं, लिख दिए हैं भाई, लिख दिए हैं। अब मुझे एक बात बताओ सर। हाँ हाँ पलक 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 पहली बारी में टॉस इट अगेन, दूसरी बार टॉस करोगे तो क्या दूसरी बार टेल नहीं आ सकता? Yes, तो ऐसे आया बेटा। ठीक है ओके हाँ ठीक है बढ़े आगे बढ़े बच्चों। अब सुनो भाई ध्यान से, इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी 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 क्या, इसकी क्या, इसकी क्या, इसकी क्या? 1/8 सही बात है? यस सर।
आरुष उगल, मैं पहले तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है क्या है इनकी प्रोबेबिलिटी, फिर तो मैं बताऊंगा ही ना बाबू। इसकी क्या होगी 1/8 सर, और उसकी क्या होगी उसकी उसकी टीटी की इसकी 1/4 की 1/4 होगी 1/4 है ओके सर हो रहा है। तन्नू बहन अब जो है इनको फिर वो तुम्हारे बैच वाला एग्जांपल देना पड़ेगा, मोदी जी वाला है ना, वो गरीबों वाला है ना, अब समझना पड़ेगा, समझना ये है मिस्टर एक्स, ठीक है, हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, इन्होंने कहा बच्चे दो ही अच्छे, ठीक है, ठीक है, यस सर, जी सर, मिस्टर वारी, इन्होंने कहा बच्चे किसकी देन है, भगवान की, ऊपर वाले की, ठीक है ना, यस सर, तो ये सारे भगवान है, ये भगवान नहीं है बेटा, ये भगवान की संतान है, ठीक है, ऊपर वाले की देना है, ऊपर वाले ने पैदा किया है और ऊपर वाला पालेगा, ठीक है, यस। अब देखो भाई ऐसा है, एक सिचुएशन में ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा होगा नहीं, ठीक है ना, यस सर, अचानक से बाढ़ आ गई बच्चों, ठीक है, ये सब त्राहिमाम त्राहिमाम हो रखा बेटा हर जगह, ठीक है, प्रॉपर्टी वाला दे दो, अब चुप रहे जरा सुन ले ध्यान से, फिर अब देखो अब यहाँ सब भूखे नंगे सभी ऐसी मतलब क्या बोलते हैं से खेतों में बैठे हुए बेटा आराम से, ठीक है, कहीं से कुछ खाने पीने को मिल जाए, सब पानी में डूब गया है, ओके, यहाँ पर मोदी जी आते हैं अपने हेलीकॉप्टर में उड़ते हुए, ठीक है जी बच्चों, अब मोदी जी क्या बोलते हैं ऐसे दूर से हाथ हिलाते हैं, हाँ हेलो हेलो हेलो, ठीक है, और कह रहे मैं तुम्हारे लिए खाना फेंकता हूँ, तो खाना फेंक भी देते हैं, ठीक है, कुछ इनकी लोकेलिटी में भी गिरता है बेटा सामान, सही बात है, यस सर, अब वो अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो, वो उधर भी गिर सकता है और वो इधर भी गिर सकता है, ये बात ठीक है, यस सर, भाई अगर इनके खेत में गिरा तो इन 8 लोगों में उस रोटी के लिए लड़ाई होगी, इस बात को मानते हो, यस सर, यस सर, और वो इनके हिस्से में गिरा तो इन 2 लोगों में उस रोटी के लिए लड़ाई होगी, ये बात ठीक है, यस सर, यस, अच्छा, अब वो रैंडमली अगर नीचे गिर रहा तो वहां भी जा सकता है और वो यहाँ भी जा सकता है, बताओ, मैं कह सकता हूँ कि रोटी के उस हिस्से में जाने के चांसेस 1/2 हैं और रोटी के इस हिस्से में जाने के चांसेस वो भी 1/2, 50-50 चांसेस हैं, ठीक है सर, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, अरे 50-50, ऊपर से गिर दिया हवा चल गई पड़ी तो ठीक है शायद उस साइड भी जा सकता है, नहीं चली तो इधर भी जा सकता है यार, तो मैं चलो मैं 50% और 50% कह देता हूँ, किसको दिक्कत तो नहीं है भाई, आठ कैसे आ गए, 50 कैसे हो गया सर, दोनों लिख दो, दोनों सर, नदी इस तरह बह रही है, नियति तू माइक ऑफ कर ले बेटा, नियति है, ठीक है, क्या निमिता तू ऐसे समझ कि रोटी जब नीचे गिरेगी ना तो 2 लोगों में लड़ाई होगी, ठीक है, तो पहला वाला भी जीत सकता है, दूसरा भी जीत सकता है, जो जिसका मुंह फोड़ देगा, ठीक है, तो उसके जीतने के चांसेस हम इक्वल मान के चलते हैं, अगर कोई अगर नहीं मेंशन बेटा यहाँ पे तो, ठीक है बाबू, तो इसलिए इक्वल चांसेस को हम 50-50% बोला करते हैं यार, ठीक है बहन, ओके चलो, हाँ पात्र तू कैसे परेशान है, तू भी बोल ले बेटा यार, तू भी बोल ले, यहाँ पे 6 बच्चे होने चाहिए ना, क्योंकि 6 बार तो आया है यार, पात्र तो कहाँ भाग रहा है, तो अभी तो यहाँ पे रहना मेरे दोस्त, चुपचाप पहले सुन तो लेना बाबू यार, तो पहले कहाँ भाग रहा है यार, रुक जा जरा शांत, इतना ठीक है कि नहीं है ये बता गधे, हाँ चलो माइक ऑफ कर फिर, अब ना लाइक सुनता नहीं है गधा की का, ओके अब सुनो बच्चों, तो अब मेरे को एक बात बताओ, वो रोटी का टुकड़ा अगर मान लो यहाँ गिरा,
तो वो इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी मिल सकता है, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको, उनमें से किसी को भी मिल सकता है। इस बात से एग्री करते हो सभी? यस सर। अगर मैं कहूं कि किसी एक को ही मिलना है, सब में नहीं बांटना, किसी एक के पास ही जाना है भाई, वो चीज सबके पास नहीं जाना, तो इनमें से किसी के पास भी जा सकता है, ये बात ठीक है? यस सर। अगर प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में बोलें तो क्या इसको निमिता 1/2 नहीं बोलते? अब मेरे को एक बात बता निमिता, यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 आठ भाई हैं, तो वो चीज एक चीज के लिए बेटा, वो जो भी कीमती चीज है उस टाइम पे, वो आठ भाइयों में अगर लड़ाई हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन सबको वो चीज मिलने के जो चांसेस हैं वो क्या होंगे? वो 1/8 होंगे, क्योंकि आठ लोग हैं। अगर मैं सबको इक्वल मान के चलो तो सबके इक्वल चांसेस होंगे, क्यों बहन? यस सर। हाँ भाई पात्रा, तू क्या 6-6 लगा हुआ था तब भाई हीरो? नहीं सर, पहले वाले क्वेश्चन में 6। माइक ऑफ कर, माइक ऑफ कर सर, ना लाइक सर। हाँ क्या है सर? 1/2 इसके पास भी जाएगा, 1/2 नहीं नहीं वन, 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 ये सिर्फ चांसेस की बात हो रही है बहन, चांसेस की बात हो रही है। 1/2 चांसेस की वो चीज यहाँ गिरेगी। अब मान ले वो यहाँ गिरेगी तो यहाँ से अब इनके पास मिलने के चांसेस कितने हैं बेटा? तो चांसेस क्या, मैं 1/8 कह सकता हूँ चांसेस? अगर मैं बोलता कि यहाँ पर कोई दो लोग हैं कि तीन लोग हैं, तो इन तीनों के पास कोई स्किन, तीनों में से किसी एक के सेलेक्ट होने के चांसेस, तब आप क्या बोलते हो? 1/3 बोलते हो? तो उसी तरह से आठ लोग, तो मैंने 1/8 बोल दिया। अब मुझे बताओ वही चीज अगर यहां आती और यहां से इन दोनों तक पहुंचने के जो चांसेस है बेटा, क्या मैं 1/2 बोल सकता हूँ बच्चों? Yes, sir. अब मुझे बताओ भाई, मुझे एक बात बताओ, तुम यहां पर कह रहे हो कि सर H1, H2, H3, H4, H5, H6, TH, TT इन सब की प्रोबेबिलिटी 1/8 होगी। तुम लोग ये कह रहे हो, निमिता कह रही सर, नहीं नहीं सुनो सुनो, निमिता कह रही सर इन सबको 1/8 लिखो, ये निमिता बोल रही है कि सर इन सबको 1/8 लिखो। हमारा पात्रा कह रहे नहीं सर इन सबको 1/8 लिखो। मुझे बताओ वो जो भी चीज ऊपर से नीचे गिरी है वो मिलने को इसे भी मिल सकती है और मिलने को इसे भी मिल सकती है, बता इसमें और उसमें किसके ज्यादा चांसेस हैं उस चीज को पाने के? मिस्टर एक्स वाले, इसको इसको ज्यादा चांसेस हैं कि नहीं है? यस सर। उसके चांसेस कम है भाई, इस बात को समझ पा रहे हो? तो जी सर, तो तुम एक, तो सेम कहानी तो यहां पर भी हो रही है, तुम इन सब की प्रोबेबिलिटी को इक्वल कैसे बोल सकते हो भाई? जैसे आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि वो चीज अगर नीचे गिरेगी तो पहली बात तो भैया वो पता नहीं वहां जाती है कि नहीं जाती है, वहां चली भी गई तो आठ लोगों में लड़ना पड़ेगा, आठ लोगों में। वो चीज अगर यहां आई तो सिर्फ दो ही लोगों को लड़ना पड़ेगा, तो कंपैरेटिवली उनके मुकाबले इन दोनों के, किसी इन दोनों में से किसी एक के सेलेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं उनके मुकाबले। इस बात को समझे कि नहीं समझे भाई? जी सर। तो ऐसी जो सिचुएशन जब भी होती है तो यहां पर ना बेटा हम इक्वल प्रोबेबिलिटी नहीं बोला करते हैं, अंटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में खुद मेंशन किया गया हो। क्वेश्चन में अगर नहीं बोला है तो ऐसे केसेस जब भी बनेंगे, इस तरह के चार्ट जब भी बनेंगे कि भैया भैया पहले तो पूरा प्रोबेबिलिटी दो हिस्सों में बट गई, फिर ये वाला हिस्सा चार लोगों में बट गया और उधर वाला हिस्सा छह लोगों में बट गया, तो ऐसे में जो तुम्हारा सैंपल स्पेस बनता है और तुम सबकी प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल लिख दोगे तो ये सरासर क्या होगा? ये गलत होगा भाई, गलत होगा। इसको एक और एग्जांपल से समझो, मैं तुमसे अगर बोलूं, मैं तुमसे कहूं कि 200 रुपए को भैया नीचे दो लोगों में बांटना है तो यहां 100-100 आएगा। मैं कह रहा हूं यहां इसको दो हिस्सों में बांट दो तो यहां 50-50 आएगा। मैं कह रहा हूं इसको चार हिस्सों में बांट दो तो यहां पर कितना आएगा? 25-25-25-25। मुझे बताओ वहां से चले थे 200, इसको मिले कितने? 50। तो अगर मैं बोलूं चांसेस क्या है तो 50/200 चांसेस 1/4 रहे। यस सर। यहां पहुंचे 25, वहां से चले थे 200, यहां कितने पहुंचे? 1/8। क्या इस बात को समझे? यस। तो अब इसी को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कह रहा हूं, जरा समझना निमिता बहन, प्लीज थोड़ा समझने की कोशिश करियो बहन। ऊपर से अगर 1 जाए 1 यूनिट तो यहां इसको मिलने के चांसेस 1/2, इसको मिलने के चांसेस 1/2। सही बात है? अगर मैं बोलूं कि यहां से अगर कोई चीज इधर और इधर भी आ सकती है तो चांसेस 1/2, 1/2, यहां पर 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ये बात ठीक है? अब अगर मैं बोलूं कि बहन दो चीजें हैं ना,
100 को दो हिस्सों में बांटना है ना बहन, तो 1/2 1/2 तो आएगा, और ओवरऑल 1/2 × 1/2 ये बन जाएगा 1/4, 1/2 × 1/2 ये बन जाएगा 1/4, 1/2 × 1/4 देख सकते हो 1/8, और 25 को जब 200 से डिवाइड करोगे तो भी क्या आता है बेटा 1/8, क्या इस बात को समझ पाए बच्चों? 1/2 1/4 1/8 ये भी क्या 1/8, ये भी क्या बनेगा 1/8। ये है भाई आपकी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। सेम कहानी क्या होगी, इधर आएगी जरा समझ लो, वहां से कॉइन को टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड आने के चांसेस 1/2, टेल आने के चांसेस क्या 1/2, ये बात ठीक है। अब उस 1/2 को भूल जाओ, इस एच से सोचो, इस एच को 6 हिस्सों में बांटना है, तो ये 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 ऐसी, उस 1/2 को भूल जाओ, इस टेल को दो हिस्सों में बांटना है 1/2 1/2। तो बच्चे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ इस एच वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो तुम बोलोगे 1/2 × 1/6 1/12 1/2 × 1/6 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12 1/12। मैन मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अभी अभी देख, थोड़ी देख फिर यार ये लड़की भूल जाती है ना, यहाँ पे 25 को तूने 200 से डिवाइड किया था ना, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनी थी 1/8 बनी थी। Yes, sir. तो बहन मैं कह रहा हूं कि अगर 25 ना मुझे ये वैल्यू ना पता हो कि यहाँ कितना कितना पहुंचा है, तो हम क्या बोलेंगे 1/2, फिर वो ऊपर से चार लोगों में और बैठ गया तो 1/4 1/4 1/4 1/4, तो 1/2 × 1/4 आपका 1/8 डायरेक्टली 1/8 आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं फिर, क्यों ये ठीक है। तो अब देख सेम कहानी हमने यहाँ करी, तो 1/2 × 1/2 ये आपका 1/4, 1/2 × 1/2 ये आपका क्या बना बेटा 1/4। क्या ये बात समझे भाई अब? हाँ बोल भाई हीरो, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बता दिया आपने। अबे यही है इसके, ये जो चीज बता रहा हूँ यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है लालू, यही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम है, अलग से नहीं है, अलग से कुछ नहीं, यही है। अब आ जाओ भाई, अब आ जाओ सातवें पे, अब आ जाओ सातवें पे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे सभी। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। हाँ भाई बच्चों, कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन, इफ द कॉइन शोज हेड, कॉइन शोज हेड, कॉइन को टॉस करोगे तो भैया दो चीजें होती है, या तो हेड आता है या टेल आता है। और निमिता सुनना है बहन पहले, ठीक है ना, पहले ही आगे की चीज पहले सुनना है ध्यान से, ठीक है, जब तक खत्म नहीं हो रहा तब तक बेटा बीच में नहीं कूदना है, हाँ फ्लो नहीं तोड़ना बेटा पूरा, वरना फिर कह रहा कि If the coin shows head, तो toss it again. अच्छा जी, लो जी, दोबारा toss करोगे तो या तो head आएगा या tail आएगा। अच्छा अगर पहली बार अगर throw किया था और head नहीं आया, tail आया तो, but if it shows tail, throw a dice. तो भैया dice को throw करना। बच्चों यहां तक कोई दिक्कत किसी को? No sir. No sir. Sample space क्या? HH. एच टी टी एच और टी एच कह रहा हूँ टी वन टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव और टी सिक्स क्या यही बनेगा? यस सर, जी सर यही बनेगा। भाई देख सकते हैं ये दो में बट रहा है, फर्दर ये दो में बटा और वो चार में बट रहा है, गड़बड़ हो रही है ना। तो ऐसी सिचुएशन में सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होगी, ठीक है। हाँ अगर ये भी दो हिस्सों में बटता और वो भी दो हिस्सों में बटता तो कोई टेंशन नहीं थी, बट ये दो में बट रहा है और वो चार में बट रहा है, तो यहां पर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं मानी जाएगी बच्चों। तो अब देखो जी, इस एच एच की प्रोबेबिलिटी क्या बोलोगे? 1/2 × 1/2 × 1/4 1/2 × 1/6 1/12 बात समझे? तो देखो भाई एच एच और एच टी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 × 1/2 1/4 आ गया। फिर टी वन से लेके टी सिक्स तक सबकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा? अगर हमें अपना क्रॉस वेरीफाई करना हो कि अपनी प्रोबेबिलिटी सही आई है, तो सैंपल स्पेस की
ऐड करके देखना, वन आएगा हाँ ऐड करके वन आएगा, बिल्कुल आएगा, कंफर्म आएगा, वन आएगा, मतलब सबसे वन बाय फोर, वन बाय ट्वेल्व, वन बाय ट्वेल्व, वन बाय ट्वेल्व, सर वन बाय चेक ट्वेल्व। कैसे करेंगे कि सही आई गलत? अबे सुन तो ले यार, वही तो बता रहा हूँ बाबू, सुन तो ले। अच्छा, ओके ओके। कमाल है यार। अजीब बंदे हो यार, अरे सुन, थोड़ा थोड़ा सा धैर्य रखो ना यार, धैर्य रखो थोड़ा सा। ओके okay. भाई ने बीच में पूछ लिया, मेरे वन बाय फोर और वन बाय फोर क्या बना? टू बाय फोर, टू बाय फोर क्या होता है? वन बाय टू, वन बाय ट्वेल्व को छह बार जोड़ोगे तो सिक्स बाय ट्वेल्व, सिक्स बाय ट्वेल्व भी क्या होता है? वन बाय टू, वन बाय टू और वन बाय टू प्लस करके क्या आ गया? वन आ गया। वन तो यानी कि सही कर रखा, गलत नहीं किया है। ठीक है बच्चों? यस सर, यस। ओके चलो, हाँ भाई ढक्कनो अब चलो। पर वैसे तो सर जो आठ आउट तो हमारे आए थे, वन बाय एट, वन बाय एट, वन बाय एट, वो भी तो वन ही आ रहा था। हाँ तो आएगा, किसने मना किया फिर? क्या तकलीफ क्या है, तकलीफ क्या है तेरे को इससे, फिर ये बता। प्रोबेबिलिटी तो गलत थी ना, पर वो क्या टाइम ऐसे टाइम वेस्ट करवाता नहीं बंदा ना भाई को यार, सिंफिर बोलता कि मेरे से माइक नहीं करवा रहे हूं। सर ने सही तो कहा, सर मैं समझ गया सर, छोड़ दो आप सर, छोड़। ये 1/4 है, ये 1/4 है, ये 1/8 चल रहा है, कितनी बार चल रहा है? आठ बार चल रहा है भाई। ये सर तो जैसे 1/2 और 1/2 प्रॉपर्टी 1/4 बनी, तो 1/8 और 1/2 क्या ये 1/16 नहीं बनेगा? वो 1/2 और ये 1/8, 1/16, 1/16 और 1/16 तरह आठ बार बनेगा, तो 8/16 हो जाएगा और वहां पे तरह 2/4 हो जाएगा। तो बता, ऐड करके वन ही तो बन रहा है, वन है। कराओ टाइम पास, बेटा बढ़ गया एकदम, है ना लाइक। चले आंसर 1/3 है। अब सुन बेटा ध्यान से, अब फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डाई शोज अ नंबर ग्रेटर देन 4। जो चीज फाइंड करनी है उसको ई माना, नंबर ग्रेटर देन 4। गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल। अब जरा समझना, नंबर ग्रेटर देन 4 बताओ भाई, सैंपल स्पेस में कौन सा ऐसा है जो नंबर ग्रेटर देन 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है? रविंदर तू प्लीज बेटा क्या कर रहा है दोस्तों, पूरे स्ट्रीम को खराब कर रहा है दोस्त। वो बच्चे वो बोल रहे यार कैसे बनने बताओ, आराम से बेटा, गलत बोल रहा पूरे विश्वास के साथ, और लगातार बोल रहा, लगातार बार बार गलत, बड़ा जीवन था यार, आराम से, कोई रेस नहीं है, अभी सीखना है मेरे भाई। यहां पर फटाफट आंसर देकर तुरंत आंसर देकर भाई मेरे साइड से कोई मेडल नहीं मिलेगा, समझ पा रहे हो? बस वो कमेंट, वो एक दो बच्चे वो जो वाईटी पे देख रहे होंगे, इनको पढ़ना नहीं होगा, वो अलग से गाली दे रहे होंगे भाई यार क्या अजीब से बंदे हैं, उल्टा सीधा ही बोले जा रहे हैं, टाइम वेस्ट अलग से करा रहे हैं। रविंदर नहीं ऐसे मत कर बेटा, तेरे दोस्त ये रविंदर क्या कर रहा भाई, तेरे दोस्त को समझाओ थोड़ा, इसको गधे को, आराम से बेटा, जल्दबाजी नहीं है कोई, सीखना है ठीक है, आराम से। पोरवाल नालायक, नंबर ग्रेटर देन 4, नंबर ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 में T5 एंड T6। वही बोला था सर, T4 बोला था बेटा तूने पोरवाल, देख झूठ बोलेगा मार खाएगा बहुत ज्यादा तू भी, यहां मैं रिकॉर्डिंग चला दूंगा पीछे करके। मैंने सही बोला, हाँ रमन को भी इनाम मिलेगा, आरुषुगल को भी इनाम देंगे अभी, है ना, है ना नालायक को। T5 और T6 गिवन, देर इज एटलीस्ट वन टेल, एटलीस्ट वन टेल में देखो, HT T1 T2 T3 T4 T5 T6 HT T1 T2 से लेके कहां तक? T6 तक। E और F को लिखने में किसी को दिक्कत हुई है कि E और F कैसे लिख दिया? नो सर, नो सर, हाँ। अब देखो दोनों में इंटरसेक्शन बताओ क्या है, इंटरसेक्शन
T5 और T6, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। नाउ E by F निकालना है, इंटरसेक्शन न्यूमरेटर में F डिनोमिनेटर में। अब जनरली क्या होता था आरुष उगल गधे, तू दो को तू मेरे ख्याल 2/6 लिख रहा है ना? नहीं मैंने देख ली मिस्टेक नहीं है सर। नहीं तूने 2/6 लिखा है ना? लिखा था हाँ था दो, और वो भी सुन जो देख रहे इसका आंसर 1/3 आ रहा है क्या है? अबे भाई मैंने कर रहा हूँ क्वेश्चन को नालायक कर रहा हूँ ना अभी क्या है यार पात्रा सुन बड़ा माइक ऑफ कर अब। टू यहां पर है और उसके अंदर 6 नहीं उसके अंदर 7 एलिमेंट है तो होना चाहिए था 2/7 होना चाहिए था बट 2/7 भी नहीं होगा गलत है 2/7 भी नहीं होगा। जनरली जनरली सुनना है सुनना है। जनरली हम क्या करते थे हम ये देखते थे कि इसमें कितने एलिमेंट है और उसमें कितने एलिमेंट है बट वो रूल तब के लिए एप्लीकेबल था बेटा जब सभी आउटकम्स इक्वली लाइकली होते थे अर्थात yes, जब सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती थी तब के लिए वो रूल एप्लीकेबल हुआ करता था। फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है? नो सर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। तो यहां पर अब हम लोगों को क्या करना है हमें पहले ना यहाँ पे इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन में एक तो T5 आता है और एक T6 आता है। T5 की प्रोबेबिलिटी थी कितना 1/12 और T6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/12 बन जाएगा 2/12 व्हिच विल बिकम 1/6। तो तुमने इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल दी 1/6। डिनोमिनेटर में तुम्हें अब किसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है F की प्रोबेबिलिटी। निमिता बहन निमिता कहाँ है निमिता? F एट लीस्ट 1 tail हमें F की प्रोबेबिलिटी लिखनी है। F के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 7 एलिमेंट है तो आपको हर किसी की प्रोबेबिलिटी को प्लस करना पड़ेगा। HT की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी और T1 से लेकर T6 तक सबकी प्रोबेबिलिटी 1/12 थी। 1/12 तो 1/12 और ये 2/9 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। जी सर बोल बहन क्या बोल रही थी आप बोल मर्दुल माइक ऑफ कर ले यार। निमिता बोल बेटा क्या कह रही थी बता। सर हमने सबकी प्रोबेबिलिटी क्यों देखी? क्योंकि पहले भी यही करते थे हम पहले भी हम यही करते थे। अगर मैं तेरे से पूछूं कि एक सैंपल स्पेस है HHHT TH TT बता एग्जैक्टली वन हेड की प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है? एग्जैक्टली वन हेड की मतलब 2/4 तो वन हेड में तू बोलेगी सर एक तो HT की प्रोबेबिलिटी दूसरा TH की प्रोबेबिलिटी तो सिर्फ HT की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 TH की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4 तो क्या बनता था आपका? तो पहले भी प्लस ही करते थे वो बात अलग से हम दिखाते ही नहीं थे बट इस बार क्या है सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है ना yes, तो इसलिए बेटा मैंने सबको अलग अलग करके प्लस किया मैंने बात समझे। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती तब ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ती तब मैं सीधा 2/4 लिख सकता था यार बट यहां पर क्या गड़बड़ है भैया सबकी प्रोबेबिलिटी सेम नहीं है। अगर सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती तब तो कोई टेंशन ही नहीं थी है ना बट यहां इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है और उनकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है तो उनको प्लस करके बेटा मेरा क्या है ये डिफरेंट आ रहा है यहां पे यार। देन बहन यस सर बड़े आगे बढ़े बच्चों yes, और कोई है जिसको इसमें दिक्कत है भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी ध्यान रखना। यस सर ओके चलिए क्या है पेपर में आया वन की एफ की प्रोबेबिलिटी सर हमने कैसे लिखी थी किसकी प्रोबेबिलिटी ये नीचे एफ की F, F में क्या एलिमेंट है सबसे पहला HT HT की प्रोबेबिलिटी 1/4 थी T1 से लेके T6 तक 1/12 1/12 1/12 6 बार यस सर
बस ओके okay. एक और कुछ कह रहा था बंदा, कोई कौन था? सर एग्जाम में क्वेश्चन आया आया है। बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, अगर नहीं आया होगा तो? अबे नहीं तो कब तक पढ़ाओगे? लास्ट क्वेश्चन है, छुट्टी है फिर। राजा गुस्से में, अरे गुस्से में नहीं यार, बीच में ये गधे ना, ये सब नालायक एक नंबर के गधे, इनको पीटेंगे ये सामने, इनको कूट दो मैं ढंग से नालायकों को। अच्छा खासा सेशन चल रहा होता है, ये बीच में पहले क्वेश्चन सुनती नहीं, बीच में अच्छा सर ये, अरे भाई बता रहा हूँ यार, अब बीच में जो पहले ये फिर उससे गलत गलत भी बोल रहे हैं पूरे विश्वास के साथ एकदम चलिए देखिएगा। देखो यार ऐसा है, मेरी बात समझो, देखो मेरे ना बहुत सारे बैचेस हो रहे हैं, दूसरे सभी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, ठीक है, और तुम लोगों को पढ़ाना बहुत ही ज्यादा यार एग्जॉस्ट कर देता पूरा इंसान को, बड़ा मुश्किल काम है यार, ठीक है। और अभी तो देखो लगा लो तुम 8 बजे हमने स्टार्ट किया है, फिर अभी इसके बाद तुम्हारे डाउट सेशन भी चलना है, समझ पा रहे हो? तो अभी जो है अगले 1-1.5 महीने जो है मैं जो है ना होता ना मेंटली बंदा एकदम एग्जॉस्ट हो जाऊंगा मुझे जो लगता है, बट ये है कि भाई आप लोग थोड़ा सा ना अपनी साइड थोड़ा जिम्मेवारी समझा करो, थोड़े इस तरह से मजे मत लिया करो, समझ पा रहे हो? और रविंदर देखो मजे ले रहा बंदा है। सर मैंने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं बेटा, ये जल्दबाजी में तो हीरो जो बन रहा था ये कौन था, ये T4 T5 T6 और सारे वो भी एक सुर में गलत गलत, पहले पहले गलत बोला सूर्यांश पोरवाल ने, ठीक है, फिर भाई ने तुरंत उसको कॉपी किया रविंदर भाई ने, ठीक है, फिर उसके साथ में फिर एक भाई ने तो सही फिर, बोला था नहीं उसने भी गलत बोला था बेटा, अभी रिकॉर्डिंग सुनियो बाद में, स्टार्टिंग में मैंने एक बार गलत बोला था, हां देखा, इसलिए नकल मत करो दूसरे की, ठीक है ना। कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, फटाफट से इसका सैंपल स्पेस बनाओ, देखते हैं कितना समझो तुम लोग, जल्दी से जल्दी से इसका सैंपल स्पेस बनाएंगे सभी। देखते हैं हमारे बालक कितना समझे हैं। तनु बहन क्या करिए, तनु बहन पेपर खत्म हो गए, कैसा लगा रहा आपको अब? ए तनु बन गया सर, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाइज अगेन, इफ एनी अनदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन। डाइज को थ्रो करोगे आने को उस पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है एंड 6 आ सकता है। इफ 3 का मल्टीपल आया, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाइज अगेन, तो डाइस को दोबारा थ्रो करो, तो 3 आया या 6 आया तो डाइस दोबारा थ्रो करूंगा, दोबारा थ्रो करूंगा तो उस पर 1 2 3 4 5 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। कह रहे कि इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस अ कॉइन, कोई अदर नंबर आया तो कॉइन को टॉस करो, तो 1 2 4 और 5 आने पे मैं कॉइन को टॉस करूंगा, 1 आया तो कॉइन टॉस करेंगे, तो कॉइन टॉस करके क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, या तो एच आएगा या टेल आएगा, या एच आएगा या टी या एच या टी। क्या यही सैंपल स्पेस बन रहा है बच्चों सबका? यस सर, यस सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, पर बोर हो रही हूँ फिलहाल, खाली खाली लग रहा है, अबे रुक जा अभी कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं किसी का, पर बहुत बोर हो रही हूँ फिलहाल, खाली खाली लग रहा है बहुत। ओके बेटा सर, ये 3 वाले में ये 3-3 के बाद 4-4 कैसे? वो गलती से लिख दिया बेटा मैंने, मिस्टेक है, बाय मिस्टेक ऐसे, ठीक है। यस सर,
थ्री के साथ भी तो थ्री और सिक्स के मल्टीपल्स आ रहे हैं थ्री के, तो उसमें नहीं होगा क्या? फिर एक काम करियो, फिर उसके साथ में दोबारा थ्री आ गया तो उसको दोबारा लिखियो, फिर सुन रहा है? फिर उसके साथ हाँ फिर उसके बाद दोबारा फिर दोबारा लिखियो बेटा। फिर अभी पिछले क्वेश्चन में भी आया था वो कि सर अगर टेल आया दोबारा क्या था वो, अगर हेड आया दोबारा उसमें हेड आ गया फिर क्या करें? तो दोबारा थोड़ी करोगे, एक बार की बात हो रही है ना, सर बार बार थोड़ी करते रहना है। ओके हाँ ऐसा करके पेपर भर लेंगे। सर देखा क्यों सर, वैसा भी क्वेश्चन आते हैं ना, सम ऑफ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वाले क्वेश्चन में तो अलग क्वेश्चन है, बताऊंगा अभी। अब देखो, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द कॉइन शोज अ टेल, कॉइन शोज अ टेल, तो टेल तो आया किसमें? 1t 2t 4t 5t, और एफ में क्या है? गिवन दैट एट लीस्ट वन डाई शोज थ्री, एट लीस्ट वन डाई शोज थ्री, तो इसमें क्या है? 3 1 3 2 3 6 तक, और एक सिक्स थ्री, और एक सिक्स थ्री हो जाएगा। बताओ कुछ भी दोनों में कॉमन है? नो सर जीरो नहीं सर, कुछ कुछ भी कॉमन नहीं है, नहीं है। तो यहाँ तो बहुत अच्छी बात हो गई, इंटरसेक्शन जीरो हो गया। यस सर, जब इंटरसेक्शन ही जीरो हो गया तो एफ तुम्हें प्रोबेबिलिटी के झंझट में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है बच्चों, ये यहाँ पर ही खत्म हो गया भाई। क्या बोलते हो, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, तुमने तो लिख दिया था। हाँ तुमने तो लिख दिया था। हाँ ओके, अबे किसका हेलीकॉप्टर आ गया? अबे किसके पापा का हेलीकॉप्टर ले आया? अबे ये राम नाम पे कौन खराब कर रहा भाई ये? सर आपने मुझे रिमूव क्यों कर दिया था? क्योंकि मैं चाहता था कि तू चुपचाप से पहले पहला वाला लेक्चर पढ़े, फिर उसके बाद तू दूसरे वाले लेक्चर को पढ़े, ठीक है? आपने मुझे रिमूव क्यों कर दिया था? पहला लेक्चर पढ़ा कि नहीं पढ़ा यार, टाइम पास कर दिया है बे गधे। ओके बच्चों, इतना समझ पाए? एक क्वेश्चन और करोगे? बिल्कुल सर, आजकल आजकल लास्ट क्वेश्चन, फिर छुट्टी कर रहा हूँ। सो जाइए सर। नहीं नहीं आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर तुम्हारी छुट्टी कर रहा हूँ सर। एग्जांपल सिक्स करा दीजिए। रुक जा बे सर, वो क्वेश्चन गलत है पर। हाँ ठीक है ओके, पहले क्वेश्चन जरा देख लो। चलो भाई क्वेश्चन है, देखते कितना सीखे हो भाई तुम लोग। फटाफट से इस क्वेश्चन को तरीके से आप लोगों को करना है भाई, कॉपी में इसका आंसर निकालना है। सर अगर पहले नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर हो जाएगा बिल्कुल मेरे दोस्त, दो दिन से पहली एक्सरसाइज में अटका हुआ मेरे भाई, तो धीरे धीरे ही चल रहे हैं ठीक है ना, वरना तो दो दिन में तो आधे से ज्यादा चैप्टर खत्म हो जाए। थैंक्स टू मेरे प्यारे बच्चे। मेरे दोस्त आज का ये लेक्चर टू है, इससे पहले भी एक क्लास हो चुकी प्रोबेबिलिटी की, उसको देख लियो तो बन जाएगा काम। कल कराएंगे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन। सर इंटर का रिजल्ट के बाद करूं या फिर अभी से ही? बहन अभी तो फिलहाल देख ऐसा है, क्वेश्चन करो आराम से पहले, अब बात करें मेरे को जरा। तनु बहन ऐसा है, अभी तो तुम्हारा रिजल्ट काफी टाइम के बाद आएगा ठीक है, अभी फिलहाल जो है अभी थोड़ा घूम सकते हो आप, घूम सकते हो लाइक आप अभी डिफरेंट जगह पे ना, आप डेमो सेशन आप अपने ले सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पर सही कनेक्ट बन पा रहा है ना। टीचर्स की खोज वगैरह आप अभी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे ही रिजल्ट आए सीधा तब स्टार्ट कर लेना। हालांकि आप तो अभी भी कर सकते हो यार है ना, अगर कोई बैच अगर स्टार्ट हो रहा होगा आपको तो क्लियर होना ही होना है, आपको तो क्लियर होना ही है यार है ना, तो ऐसी दिक्कत नहीं है, आप अभी भी करना चाहो कर सकते हो। हो गया सर क्वेश्चन। हाँ भाई रविंदर बोल, बड़े क्या कह रहा है बोल लालू। इसमें सर ई तो वो है ना 15 या सम, अ डाई इज थ्रोन थ्री टाइम्स, इफ द फर्स्ट थ्रो इज अ फोर फाइंड द प्रोबेबिलिटी,
फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 एज सम. सम कितना है 15 गिवन क्या है फर्स्ट थ्रो में 4 आया है इज अ 4 ओके ओके सर फर्स्ट थ्रो इज अ 4 मतलब ओके समझ गए सर इतना कॉन्फिडेंस मुझे नहीं आ रहा है बेटा कैसी बात करी है तुमने यार है ना कुछ बच्चों के बारे में पता होता है ना यार कि कौन कैसे कर सकता है ना कौन क्या कर सकता है ना कोई बोर्ड का पेपर नहीं बेटा है ना यहाँ बढ़िया ही जाएगा तेरा यार sum is 15 first throw is a 4 अगर मैं बोलूं आपसे कि summation 15 कब कब होता है सर उसमें क्यों जा रहे ऐसे तो कई सारे केसेस हैं है ना हाँ भाई यस सर अगर मैं आपसे बोलूं f के अंदर क्या क्या एलिमेंट हैं f के अंदर तो पहला थ्रो 4 है बाकी दो थ्रो क्या है वो तो बताएंगे नो सर अगर मैं आपसे पूछूं कि इस F के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं तो अगर डायरेक्टली लिखना हो सुनो पहले अगर डायरेक्टली लिखना हो तो इस 4 को तो यहाँ पे फिक्स कर दिया यस सर उस पहले वाले क्वेश्चन मार्क पे 6 जगह हैं 6 कोई भी आ सकता है 1 2 3 4 5 6 दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क पे भी बेटा कोई भी 6 चीजें आ सकती हैं यस सर F के अंदर आपको 36 केसेस देखने को मिल रहे हैं बच्चों ये बताओ जरा सबसे पहले तो यस सर यस सर कोई है सर कोई है सर जिसको समझ में नहीं आया ओके अब आ जाओ इंटरसेक्शन पे इंटरसेक्शन का मतलब है समेशन 15 भी होना चाहिए और पहले डाइस पर 4 भी होना चाहिए अब सुनना ध्यान से बात को 3 बार थ्रो किया है पहले डाइस पे 4 है और तीनों को प्लस करके 15 आना चाहिए तो पहले पे 4 आ चुका है तो बाकी दो को प्लस करके 11 आना चाहिए यस सर 5 और 6 सुनना ध्यान से दोबारा सुनो तीनों को प्लस करके 15 आना चाहिए पहले पे 4 अगर आ गया तो बाकी दो पे 11 होना चाहिए समेशन 11 होना चाहिए 11 प्लस 4 15 तभी होगा और 11 तब होता है जब यहां पे या तो 5 6 हो या फिर 6 5 हो तो हमें अगर चाहिए E by F तो न्यूमरेटर में इंटरसेक्शन अपॉन में F और 2 by 36 36 1 by 18 1 by 18 ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोलो बच्चों क्या ये ठीक है कि नहीं है यस सर क्या आज की कक्षा हाँ पात्र बोल भाई बोल अभी तू सफल नहीं होगा फर्स्ट रो इज अ 4 मतलब हमारा फर्स्ट एलिमेंट 4 आ रहा है जी बेटा हाँ भाई और कोई है दिक्कत वाला कोई निखिल भाई निखिल ओके तो भाई आज की क्लास सफल मानो ये बताओ फटाफट से सॉरी सर कौन बोल रहा है अबे मैं हूँ तो तू क्यों सॉरी हो रहा है अबे यू नो अरे तो भाई है मेरा यार क्या करें हम जैसा भी है टेढ़ा है पर मेरा है ना क्या करें हम तो सॉरी मत बोल यार आप एग्जांपल से बता दो प्लीज चुप रहे मैं नहीं बता रहा हूँ बहुत हो गया बस आज डे टू है ना सर वो पीडीएफ भी डाल दो क्वेश्चन वाली भी दे रहे हैं बेटा चलिए अब नया बुक पुराना बुक सेम है नहीं नया बुक सेम नहीं बेटा नया बुक डिफरेंट है प्रोबेबिलिटी अगर आप पढ़ेंगे तो नए बुक से मत पढ़ना पुरानी बुक से पढ़ना पुरानी बुक से पढ़ोगे तो मैंने क्वेश्चंस मैंने मार्क करवा रखे हैं संजीवनी वाली पीडीएफ में उसमें से देख लेना ठीक है दोस्त सर आपका सारा वो पुराने बुक के
अकॉर्डिंग ही है वो पीडीएफ। हाँ तो मैंने पुरानी बुक की अकॉर्डिंग ही बनाई है क्योंकि नई बुक में थोड़ी थोड़ी गड़बड़ हो रही है कुछ चैप्टर में, ठीक है भाई। ओके सर। हाँ तो मैंने, मुझे लगा कि क्या नई बुक में मजदूरी करूँ, फिर बहुत से क्वेश्चन उसमें कटे हुए हैं नई बुक में जो है ही नहीं, तो फिर वो क्वेश्चन मैं कहाँ से दूंगा फिर, तो इसलिए बेटर क्या पुरानी बुक ही फॉलो करो क्या दोस्त। यस सर। नई बुक फालतू है सर। अगर वन शॉट सीरीज या तपस्या सीरीज से पढ़ूं तो क्या मेरी तैयारी अभी कम है? तो भाई तपस्या सीरीज से देख रिवीजन होगी, अगर पहले एक बार पढ़ रखा हो तो तपस्या सीरीज बहुत बढ़िया लगेगी, ठीक है दोस्त। पहले एक बार का पढ़ा हो तो तपस्या सीरीज में मजा आएगा, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने अभी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ाया था मेरे भाई, तो वहाँ पर मैंने थोड़ा फास्ट ट्रैक तरीके से पढ़ाया, वहाँ पर मैंने बेसिक्स पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था क्योंकि वो पहले पढ़ा रखा था, ठीक है। तो वो आप कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी आपको एक बार खुद से देखना पड़ेगा, पहले एनसीईआरटी करनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन में लेकर आया था जो आपके बोर्ड्स में दिखे थे मेरे दोस्त। लेकिन कल से मैं यहाँ पे शुरू करूंगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसे मैं एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा, जैसे प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहा हूँ ऐसी वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वैसे ही आपका चलेगा यार, ठीक है। ओके सर, प्रोबेबिलिटी थोड़ा हार्ड लग रहा है, इलेवेंथ का वन शॉट देख लूं? भाई वैसे जरूरत है नहीं, इलेवेंथ वाला पढ़ने की आवश्यकता वैसे आपको है नहीं, ठीक है। बट स्टिल अगर पढ़ना चाहो तो भाई वो आपके ऊपर है, अच्छी बात है। इलेवेंथ वाले कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे और कुछ वहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह का भी जो फंडा है वो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, तो वो आप बेहतर अप्लाई कर पाओगे, हालांकि ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और एक यहाँ पे आ रखा है जॉनी सिन, शाबाश बेटा। सर जी पीडीएफ भेजना, बिल्कुल भेज रहा हूँ बेटा, सुशांत सिंह राजपूत। ओके सब एक्टर है भाई हमारे पास यहाँ पे। और क्या था, सौम्या सरोज। तन्नू बहन अभी गई नहीं। सर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बिना परमुटेशन कॉम्बिनेशन के हो जाएगी? भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में पहले जरूरत पड़ा करती थी बच्चे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की, बट अब जरूरत नहीं पड़ अब जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे दोस्त, अब नहीं आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है, अब आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ लेकिन एक कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको जरूर फिर भी याद रहना चाहिए बेटा, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आपको फिर भी याद उसमें जरूर रहना चाहिए, ठीक है। ओके चले मिलते हैं बेटा आप लोगों से, बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय, मिलते हैं, गुड नाइट, जय हिंद। टाइम पास नहीं हो रहा है मैं इसलिए मैं आती हूँ आपकी क्लास में, देखो मेरी क्लास में टाइम पास करने के लिए आ रही है। चलो ओके, कल कल मिलेंगे बेटा, हाँ बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय बाय।